मैं समय सेक्टर 42 के हॉकी स्टेडियम में खड़ा हूँ। ये हॉकी स्टेडियम ऐतिहासिक है। यहाँ पर आपको अगर मैं 15-20 साल पहले ले जाऊं तो PHL की बात हो, हॉकी इंडिया लीग की बात हो, बड़े बड़े स्टार इस मैदान पर खेल चुके हैं। लेकिन इस बार एक अहम टूर्नामेंट जो देश का नेशनल टूर्नामेंट कहा जाता है, सब जूनियर मेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट है, वो पहली बार चंडीगढ़ को मिला, हॉकी चंडीगढ़ को मिला है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और जितनी उत्सुकता प्लेयर्स में होती है और मैं कहूंगा उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स में है, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। और हमारे साथ हॉकी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट करण गिल्होत्रा हैं, हॉकी चंडीगढ़ के महासचिव वोहरा जी हैं, अनिल वोहरा जी। तैयारियां आपने देख ली कि पूरा जिस तरह से एक, अगर आप IPL की बात करें या कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, क्योंकि हॉकी इंडिया रिकग्नाइज टूर्नामेंट है, देश भर से 700 से ज्यादा इसमें जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेंगे। बात भी करेंगे कब से टूर्नामेंट है, कितनी तैयारियां हैं और खास क्यों है, क्योंकि जब कोई चीज पहली बार होती है तो नेचुरली है कि वो खास ही होती है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे हमारे साथ हॉकी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट करण गिल्होत्रा। करण जी, आपके चेहरे की खुशी और एक जो बता रहे नर्वसनेस, बहुत से आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, आप ऑर्गेनाइजर रहे हैं, हॉकी हमारा एक ऐसा गेम है जहां से हम बैक टू बैक दो ओलंपिक में मेडल हमारे आ रहे हैं, पहला टूर्नामेंट नेशनल का चंडीगढ़ को मिला है, कैसे देख रहे हैं? उमेश जी, सबसे पहले तो मैं सारे चंडीगढ़ को इस चीज की मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ हॉकी चंडीगढ़ के लिए नहीं, हमारे चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि जिस तरह से हमारी टीम हॉकी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। लास्ट ईयर हमें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला हॉकी इंडिया की तरफ से। तो ये सब देखते हुए, बोरा साहब और इनकी टीम की डेडिकेशन देखते हुए, हॉकी इंडिया ने हमें ये टूर्नामेंट अलॉट किया। और जैसे आपने बताया अभी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नेशनल्स हो रहे हैं यहाँ पे, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने भी हमें एक तरह से रेड कार्पेट दिया। संजय टंडन जी की बहुत सपोर्ट हमें मिल रही है, उनके एक्सपीरियंस जो उनका पीछे गली क्रिकेट से है। तो ये सब देखते हुए और जिस तरह आप तैयारियां देख रहे हैं, स्टेडियम को कहते हैं ना दुल्हन की तरह सज रहा है, और इस तरह के आप देखिए ना, जब 29-30 स्टेट से यहाँ पर टीम्स आएंगी, उनके ऑफिशियल्स आएंगे, उनके आगे फैमिली मेम्बर्स आएंगे, बच्चे आएंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू के 700-800 लोग होने चाहिए जो दूसरी स्टेट से आए। तो आप ये देखिए कि एक पूरे सिटी को किस स्केल पे वो हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले भी अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे ये बोला कि टीम तो एक जीतनी है पूरे भारत में से, पर हमारा जो एक मिशन चल रहा है वो ये है कि हम जो भी टीम्स आ रही हैं और जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, हमने उनका दिल जीतना है, उनको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिले, ऐसा कंफर्ट मिले, ताकि वो जब वापस जाएं वो एक चंडीगढ़ के बारे में, हॉकी चंडीगढ़ के बारे में, हमारे इस पंजाबी कल्चर के बारे में एक ऐसा याद लेके जाएं अपने मन में कि जिसको हम हमेशा उस चीज का मान महसूस कर सकें कि यार हमने कुछ करवाया था इस शहर के लिए। हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब है, हम उनको भी मिलके आए, हमारी सारी लीडरशिप गई उनको, सर को हमने जब बताया तो सर ने भी पूरी अपनी आशीर्वाद हमें दिया। सर खुद 24 सितंबर को आ रहे हैं इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का हमने उत्साह प्लेयर्स के अलावा, हमने जो ऑफिशियल्स और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में और जो भी लोग इस चीज से एसोसिएटेड है, तो आई थिंक अगर हमें वो सेम सपोर्ट जो हम एक क्रिकेट लवर होने के कारण क्रिकेट को देते हैं, और आप भी काफी क्रिकेट खेलते खुद भी हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह का प्यार मीडिया का क्रिकेट के लिए रहता है, तो अगर उस तरह का प्यार हमें मीडिया से हॉकी के लिए भी मिले और लोगों से भी, जैसे वो स्टेडियम्स भरते हैं, अगर इस स्टेडियम में भी ऑडियंस हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ये आपने कहा कि क्रिकेट के लिए प्यार मिलता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट एक अलग चीज है, बाकी हम गेम्स को रखते हैं, लेकिन हॉकी स्टेडियम भरना भी, जब हम यहाँ पे, वोहरा जी पुराने हैं, आप भी पुराने हैं, लोग आते थे देखने, सर्दियों में भी यहाँ पर 15-20 हजार की भीड़ रही है। वही मैं सवाल पे आऊंगा करण जी, के लोगों को हॉकी स्टेडियम लाने तक का क्या प्लान है और टूर्नामेंट कब से कब तक है वो बता दीजिए। सर ये 23 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट है, इनॉग्रल 24 को है, फिर क्लोजिंग सेरेमनी जो फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल मैच, ये सब 3 अक्टूबर को होगा। तो हमने जो हमारी टीम्स विजिटिंग है उनको तो हमने अलग अलग आसपास गेस्ट हाउसेज, होटल्स, उस पर स्टे कराया है। और जहां तक अब हम इसको, आज हमने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया तो कल मीडिया में आएगा, लोगों को पता चलेगा,
हॉकी लवर्स। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिस सिटी इज सेल्फ सफिशियंट, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई बसेस लगवाने की जरूरत है। हमने ठीक है, हमने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इनको अप्रोच किया कि प्लीज अपने बच्चों को अवेयर कराइए। देखो हम वो चाहते हैं कि हॉकी लवर्स आए, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन कि आपने ना बसें भर के लानी है। तो आई एम श्योर कि जैसे जैसे अवेयरनेस, और अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो हमारी टीम है, जो अभी एशियन कप भी कल जीता उन्होंने, उसमें 9 से 10 प्लेयर हमारे हॉकी चंडीगढ़ और पंजाब के हैं। तो आप ये देखिए ना कि हॉकी की पॉपुलैरिटी और अवेयरनेस और इस तरह का जज्बा ऑलरेडी है। और जब मेरे को लगता है फर्स्ट टाइम नेशनल्स हो रहे हैं, अगर हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आपने पॉइंट अच्छा रेस किया, आई थिंक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कह के हम जो लोकल्स यहाँ के स्कूल्स हैं उनमें भी इस चीज का एक प्रचार करते हैं कि सब बच्चे यहाँ पर आए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि ये बिकॉज बच्चों का टूर्नामेंट है, तो ग्रास रूट से जो बच्चे हैं वो हमारे साथ इस चीज में जुड़े, और ताकि हम आगे के लिए वो कहते हैं ना कि और से और बड़े बड़े ओलंपियन तैयार कर सकें। एक टाइम ऐसा है कि जिसमें हम मान से कह सकें कि अगर 16 बच्चों का स्क्वाड जा रहा है तो वो हॉकी चंडीगढ़ के बच्चों का जा रहा है। बोरा जी, तैयारियां हम देख रहे हैं पूरी जोरों शोरों पर हैं, कितने स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनिट्स हैं, प्लेयर्स की क्वांटिटी, और प्लस कहते हैं ना कि जब शुरुआत होने से पहले की तैयारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ग्राउंड सज गया, खिलाड़ी आ गए, फिर तो शुरुआत है। आपको तो काफी एक्सपीरियंस ही है वैसे भी। नहीं उमेश जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये 14th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है और इसमें 28 स्टेट पार्टिसिपेट कर रही हैं और सभी की कंफर्मेशन आ गई है, और मोस्ट ओरली शायद कल 10-11 टीमें कल आ रही हैं, कोई सुबह आ रही हैं, कोई दोपहर को, कोई शाम को, और 22 तक परसों तक ऑलमोस्ट सारी टीमें यहाँ होंगी, और अप्रॉक्सीमेट उसमें हम कह लें तो अबाउट 700 ऑफिशल्स एंड प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपार्ट, और उनको हमने कोशिश करी है कि बेस्ट उनको अकोमोडेशन दें, बेस्ट फूड दें और बेस्ट ट्रांसपोर्ट दें उनको, जब भी टीमों को बच्चों को लाना यहाँ और बच्चों को छोड़ना जहाँ। मोस्ट प्रॉब्ली तो हमने काफ़ी नज़दीकी होटल लिए हैं सभी, और सभी एसी होटल हैं तो उसमें बच्चे ठहरा रहे हैं। पूरा जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो कहते हैं ना कि एक स्टार को देख के जब बच्चे के सामने कोई ओलंपियंस बैठे हों तो उसको भी लगता है कि मैं भी एक दिन खेलूंगा इंडिया की तरफ से, तो हमारे रीजन के काफी स्टार हैं उनको बुलाने की प्लानिंग? डेफिनेटली हमने अप्रोच कर रहे हैं सबको, क्योंकि 44 मैचेस हैं टोटल और हर मैच लाइव टेलीकास्ट है यहाँ, तो हम कोशिश करेंगे हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं। अभी मेरे आज धर्मवीर का फोन आया था मेरे पास, पर चांस आया तो मैंने उससे डेट फिक्स कर ली, तो 26 तारीख को वो आएगा। ऐसे ही मैंने राजपाल को ही बात बिजी, तो ऐसे ही जो हरमन है, दीपक ठाकुर है, बलजीत है, इन सबको हम फोन करके कहीं ना कहीं अपने मैचेस में इनको, क्योंकि अगर वो यहाँ होंगे तो बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। अभी ग्राउंड में अगर वो इंट्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो उनको लगता है भी हम ओलंपियन को देख रहे हैं सामने, और ओलंपियन को भी लगता है जैसे आपने कहा कि यार मैं भी कभी इस स्टेज पे था। बिल्कुल। लास्ट सवाल करण जी आपसे, जहाँ पे आप लोग जब आए हॉकी चंडीगढ़, कमान संभाली, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप इस पोस्ट पे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, बड़ा टूर्नामेंट वो पहली बार, वो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम जो आपने यूज किया, तो इसको यादगार बनाने के लिए कोई कसर कोई कमी नहीं रह जाए? यानी बिल्कुल जी, हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का भी हमें प्यार मिल रहा है, हमारे आज अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं है, पीजे सिंह जी टाइनोर कंपनी के MD हैं, तो वो और उनके साथ और उनके साथी जो यहाँ पर 10 दिन रोज हम उनको भी अपना गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में इनवाइट किया है, तो ये सब जो कॉर्पोरेट की भी सपोर्ट आ रही, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट या इस तरह की लीग करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए, तो उसके लिए हमने जो एक मिशन लिया था तो काफी हद तक आई थिंक मिडवे से हम ज्यादा आगे पहुंच गए हैं, बाकी हम आने वाले 2-4 दिनों में उस चीज को टारगेट को अचीव करेंगे, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि जो कहते हैं ना पंजाबी हॉस्पिटैलिटी की जो एक परसेप्शन लेके वहां से टीम्स आए वो उससे डबल ही एक्सपीरियंस करके जाए, और वो कहते हैं ना पंजाबी का दिल वड्डा होता है तो वो उन्होंने वड्डा दिल दिखाना है ऐसी, तो उसी तरह मीडिया भी वड्डा दिल दिखाए, स्पॉन्सर्स भी वड्डा दिल दिखान, ऑडियंस भी यहाँ पे, तो आप अपने चैनल के थ्रू जरूर लोगों को ये अपील कीजिए पूरे पंजाब में, पूरे चंडीगढ़ में, और आपके
खुद भी इतने ओलंपियंस आपके फ्रेंड्स हैं, आपने सबका ऑलमोस्ट इंटरव्यू किया हुआ है, तो उनको कही है कि मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि हमारा इवेंट है या हम होस्ट है, जो भी हॉकी लवर है वो सब इस इवेंट के होस्ट हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो तैयारियां हो चुकी हैं, 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसी मैदान में देश भर से 700 खिलाड़ी चैंपियन बनने के लिए उतरेंगे। पहली बार चंडीगढ़ को मिला है 14वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप मिली है। बहुत से टूर्नामेंट यहां पर हुए हैं, लेकिन जो नेशनल टूर्नामेंट है वो पहली बार चंडीगढ़ को मिला। हॉकी चंडीगढ़ इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, दुल्हन की तरह स्टेडियम है, आइए देखिए, क्योंकि इसी मैदान से, इसी टूर्नामेंट से भविष्य के हरमन, भविष्य के मनप्रीत और न जाने कितने श्रीजेश निकल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।